हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट फोर, जो हमारे 2019 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। सो आज खुश तो बड़े हो गए आप लोग कि हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद जो है विद फेस जो है मैंने क्लास स्टार्ट करी है, क्योंकि पहले थोड़ी सी तबीयत खराब थी, आज परफेक्ट हूँ। ठीक है, और अब जो बात है कि पहले तो मैं उस चीज़ के स्टार्ट करूँगा कि जो कोर्स के बारे में जानकारी आपको बतानी थी। ठीक है, तो कोर्स की जो जानकारी है आपको मैंने कल वाली वीडियो में, यानी कि परसों वाली वीडियो में भी बता रखा था कि आपको करना क्या है 9643444602 इसके ऊपर आपको गूगल पे करना है, इसको गूगल पे करना है एंड ₹50 जो है आपको इस नंबर के ऊपर सेंड करने हैं, और इससे आपकी जो है बुकिंग हो जाएगी और आप जो है 2000 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगे। 2000 स्टूडेंट्स को फ़ायदा क्या है? पहला तो उनको जो प्राइस है वो ₹2000 पड़ेगी पहले 2000 स्टूडेंट्स को, और दूसरी बात ये है कि वो सीधा का सीधा मेरे साथ जो है कनेक्ट रह सकते हैं, और उसमें क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा उसमें मेरा नंबर भी आपके पास होगा। उस जो व्हाट्सएप ग्रुप को हैंडल मैं करूँगा, जितने भी डाउट्स आएंगे, जितने भी कोई चीज़ आपसे क्विज लेना होगा तो मैं वहाँ पर आपके साथ जो है डील करूँगा। ठीक है, और यही सारी चीज़ें आपकी उस ग्रुप के अंदर चलेंगी और आपकी सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगी अगर आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। और जो मेरा कोर्स है उस कोर्स के अंदर मैंने जो है आपको 250 लेक्चर्स बता रखे हैं, और 250 लेक्चर में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जो है हमारे इस तरीके से मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कवर कर रखे हैं। साइंस भी कवर किया हुआ है, उसमें 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं और 5 सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। अब आपको ध्यान रखना ये है कि जो इसमें आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो आप बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस जो हैं वो विद फेस है, बिल्कुल ऐसे ही हैं वीडियोस, और कुछ वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगी। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर जो लैंग्वेज है यूज़ हुई हुई है वो इंग्लिश यूज़ हुई है, और जो मैंने बोला है वो हिंदी बोला है, जिस तरीके से मैं अभी बोल रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और इसके बारे में, इस आपके जो पूरे के पूरे हमारे प्रोसेस के बारे में अगर फिर भी कोई डाउट हुआ, मैं वो डाउट जो है एंड ऑफ द वीडियो में लूँगा, तो अपने डाउट्स जो हैं वो साथ के साथ बिल्कुल साइड पे लिख लो कि हमारे ये डाउट हैं हमने एंड में पूछने हैं, तो मैं वो चीज़ जो है इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। जैसे ही हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं सारे डाउट्स आपके लूँगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई उसमें पूछना। अभी जो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि क्लास ऐसी ख़राब होगी, तो पहले आप अपने डाउट साइड पर लिख लो, उसके बाद इस क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद मैं वो सारे डाउट्स लूंगा और आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप खरीद सकते हैं और किस तरीके जो भी आपके डाउट होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लगाइए सर, आज पहला क्वेश्चन लगाइए। ओके, ठीक है, तो ये सारे डाउट्स मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो आज हम पहले चलते हैं क्लास की तरफ चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Under which article of the Indian Constitution that speaker allow any member of the house to speak in his or her mother tongue? यानी कि अपनी वो मातृभाषा के साथ जो है वो बात कर सकता है अगर स्पीकर अलाउ करता है। स्पीकर कहाँ बैठता है? लोकसभा के अंदर। अगर किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, उसके बाद हिंदी नहीं आती, तो मदर टंग मतलब उसकी मातृभाषा जिसमें उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो उसमें वो अलाउ कर देता है। तो इस कौन सा आर्टिकल है इसमें से? तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 120। क्या है? आर्टिकल 120A। जाने कि आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर इज सी ऑप्शन। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन बनेगा। बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो देखते हैं। आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या कहता है हमें? मनी बिल के बारे में। 110 क्या कहता है? मनी बिल के बारे में, धन विधेयक बिल। अब मनी बिल कैसे बनता है? जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन होते हैं। 14 दिन का समय होता है मनी बिल को पास करने के लिए, और मनी बिल जो होता है सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में पास करना है। हमेशा ये बिल लोकसभा से आएगा,
लोकसभा इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती है, और ना ही राज्यसभा इस बिल को पकड़ के रख सकती है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा की इसमें कोई भी पावर नहीं है, सारी पावर किसकी है, लोकसभा की आती है। और इसमें जितना भी पैसे के बारे में, टैक्स के बारे में, कोई हमने किसी विदेश का कोई इंटरेस्ट देना हो, वो जितने भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलने हैं, जुडिशरी का खर्चा, सब कुछ यहां से निकलता है, तो ये आपका मनी बिल आता है। इसके बाद लिखा है कि 122 नंबर आर्टिकल लिखा गया है। 122 नंबर क्या कहता है कि जो आपके कोर्ट्स होती हैं, जो हमारी जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो पार्लियामेंट के काम में कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकती। वो क्या है, 122 नंबर आर्टिकल है, कोर्ट्स कोई भी आपकी दखलअंदाजी नहीं कर सकती जो भी पार्लियामेंट के अंदर काम चल रहे हैं। ये है 122। उसके बाद है 126। 126 क्या कहता है, जब भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कहीं व्यस्त हैं, या कहीं बाहर गए हैं, फॉरेन गए हैं, जब बीमार पड़े हैं, या फिर उन्होंने वो ऑफिस नहीं आ पा रहे, किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है। और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो वो अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये बात करता है 126 नंबर आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बना सी ऑप्शन, 120A। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है INC के कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले कौन से थे। ये थे मद्रास सेशन के अंदर। मद्रास सेशन जो हुआ था, ये हुआ था 1887 में 1887 में ये सेशन चला था, मद्रास सेशन। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। कौन से, बद्रुद्दीन तैयब जी। डैट मीन्स डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें फैक्ट आपको याद रखना है। 1885 में आपकी INC बनी है। अब 1885 में कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। 1886 में दादाभाई नरोजी, ठीक है, मुस्लिम प्रेसिडेंट हो चुके हैं। और अगर उन्होंने पूछा पहले क्रिश्चियन पूछा, या पहले अंग्रेज पूछा, इंग्लिश पूछा, तो वो कौन है, जॉर्ज यूल, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अगर उन्होंने पूछा कि पहली महिला, तो एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में, कलकत्ता सेशन था उस टाइम, एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी। और अगर इंडियन पूछा, पहली इंडियन महिला, 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू जिसे हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत कोकिला कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आंसर बनेंगे आपके। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है, जैसे लिखा हुआ है अबुल कलाम आज़ाद वो हैं जो पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट है INC के। और दूसरी बात ये है, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका रहा है। लॉन्गेस्ट टेन्योर क्यों, क्योंकि 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं INC के, और इस टाइम पे कोई भी सेशन नहीं हुआ था। और ये जो जिस सेशन में बैठे थे 1940 में, तो वैसे ही आपके सेशन में इनका टेन्योर इतना लंबा चला जाता है, क्योंकि कोई सेशन की मीटिंग कोई हर साल बना नहीं था। तो आंसर अबुल कलाम आज़ाद ही लॉन्गेस्ट टेन्योर। जाकिर हुसैन हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे INC वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जाकिर हुसैन जो हैं मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और ये वही पर्सन हैं जाकिर हुसैन जिनकी अपने कार्यकाल में ही डेथ हुई, डेथ इन द ऑफिस, जो अपने ऑफिस के अंदर ही मर गए थे। ऑफिस का मतलब क्या है, टेन्योर का मतलब होता है, 5 साल का टेन्योर है प्रेसिडेंट का, उस 5 साल के अंदर ही जब वो गद्दी के ऊपर बैठे थे, राष्ट्रपति बैठे थे, तभी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 5 साल के टेन्योर के अंदर। मौलाना मोहम्मद अली का नाम जुड़ता है आपका खिलाफत मूवमेंट के साथ, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, क्लियर, ये याद रखना। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए। सो क्या है जी अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना बाय मध्य प्रदेश, ये जो है क्या स्कीम है, ये स्कीम जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है। इसके अंदर
100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए काम मिलेगा आपको, और 100 डेज का काम उन लोगों को मिलेगा अर्बन यूथ को, यानी कि शहरी जो लोग हैं और जवान लोग हैं उनको काम मिलेगा। और ये बिलोंग किससे करने चाहिए? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते होना चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं है। और पैसे की लिमिट कितनी बोली गई है कि अगर उसकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो ये हम उनको काम देंगे। और ये इसमें एज ग्रुप कितना रखा गया है, 21 साल से 30 साल के जो लोग हैं, यही हमारा यूथ है जिसके लिए जो है मध्य प्रदेश की सरकार ये काम कर रही है, ठीक है। और ध्यान रखना, और इसके लिए मिनिमम 100 डेज काम मिलेगा, मिनिमम 100 डेज काम मिलेगा, ध्यान रखना है चीज को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू अर्बन यूथ फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन, तो आंसर क्या बनेगा आपका थर्ड क्वेश्चन का, वो बनेगा जी बी ऑप्शन, 100 डेज। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, डी ऑप्शन में भी सेम चीज लिखी गई है, लेकिन आपका डेज डिफरेंस है वहां पे, 100 डेज का काम देना है ना कि 200 दिन का काम देना है, तो ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, बी आंसर बनेगा, बी आंसर। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है, वायरल मतलब वायरस से जो प्रॉब्लम होती है। वायरस क्या होते हैं? कनेक्टिव लिंक होते हैं, किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। और वायरस को डिस्कवर किसने किया था, आइवेनो वस्की ने। और पहली बार वायरस किसने जो है किस चीज में देखा गया था, टोबैको वायरस देखा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसमें जो है वायरल डिजीज कौन सी है, वो है मीजल्स। कौन सी है? मीजल्स। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है यहां पे, जैसे बेरी बेरी है, अच्छा चलो पहले मैं मीजल्स बताता हूं, रूबेला वायरस के कारण होता है, रूबेला वायरस, ठीक है। ऑप्शन लिखा गया है बेरी बेरी, बेरी बेरी लिखा गया है तो विटामिन बी वन के कारण होती है, विटामिन बी वन इज थियामिन। और उसके बाद लिखा गया है हमारा सी, रिकेट्स, रिकेट्स किसके कारण होते हैं, विटामिन डी के कारण, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, और विटामिन डी का क्या नाम होता है, कैल्सीफिरोल, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, क्लियर। इसको सनशाइन विटामिन भी हम कहते हैं, सनशाइन। उसके बाद है आपका सिफिलिस, सिफिलिस क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रैपोनीमा पैलिडम, ट्रैपोनीमा पैलिडम के कारण ये प्रॉब्लम आती है, क्लियर। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन मीजल्स, बी ऑप्शन मीजल्स आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए जी, भारत रत्न 2019 का जो मरणोपरांत मिला था, ठीक है, वो इनमें से किस पर्सन को मिला है। पहली बात तो जो भारत रत्न है, ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्लियर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 में, 1954 में ये बना था, सी राजगोपालाचार्य और जो हमारे डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्णन जो हैं पहले जो हैं भारत रत्न को लेने वाले पर्सन हैं। अब भारत रत्न 2019 का जो मिला था वो तीन लोगों को मिला था, वो तीन लोग कौन थे, एक थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये अभी भी जीवित हैं, इनको मिला था, लेकिन इन्होंने मरणोपरांत बोला है। तो आंसर इसमें ऑप्शन है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख को भी मिला था मरणोपरांत। और उसके बाद लिखा था, एक मिला था भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, इन दो लोगों को मरणोपरांत मिला था। नानाजी देशमुख जो थे सोशल एक्टिविस्ट थे और ये सिंगर थे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। और ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, फिफ्थ का ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, 1990 का जो स्पोर्ट हुआ था एशियन गेम्स का, वो उसके अंदर जो है 1990 के अंदर कौन सी गेम जो है इंक्लूड करी गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और ध्यान से करने वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अब ध्यान रखना है। पहले तो एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का, एशियन गेम्स जो हैं आपकी, एशियन गेम्स जो थी पहली बार 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर बात करी गई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1990 की जो एशियन गेम्स हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बीजिंग में,
ठीक है। अब लास्ट टाइम कब हुई है, 2018 में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कहां पे, जकार्ता और पैलमबैंग, ठीक है। अब 2022 की जो होने वाली है, तो आप एक चीज बताता हूं मैं, कुछ चार साल का गैप होता है इनके, 2022 की हैंगजो, हैंगजो इज इन चाइना, 2026 की नगोया जापान, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 1990 के अंदर कौन सी गेम इंक्लूड करी गई थी, कबड्डी, कबड्डी इंक्लूड करी गई थी, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। और दूसरी बात ये है कि जो 2022 का होने वाला है, इसके अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाने वाला है, क्रिकेट को, अब क्रिकेट इंक्लूड किया जाने वाला है, ध्यान रखना आपका जो 2022 का होने वाला है क्रिकेट इंक्लूड किया जाने वाला है, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा जी आपका, कबड्डी, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए, बाखड़ा डैम जो है, बाखड़ा डैम इंडिया का जो है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, बाखड़ा डैम, बाखड़ा नंगल डैम, डैम्स के लिए एक स्टेटमेंट है, डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसने बोला था, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहला डैम हमारा किसके ऊपर लगा था, हीराकुंड डैम बना था महानदी रिवर के ऊपर, महानदी रिवर के ऊपर बना था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, बाघड़ा नंगल डैम जो है वो यहाँ पे कौन सी रिवर पे है, वो है सतलज रिवर। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी रिवर, सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में, क्लियर। और यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है, ब्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है, ठीक है, पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम भी इसको कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम, एचपी, हिमाचल प्रदेश। जेहलम रिवर, जेहलम रिवर के ऊपर मंगल, मंगल डैम, किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट और रसूल, रसूल प्रोजेक्ट, तो ये सारे बने हुए हैं जेहलम रिवर के ऊपर, क्लियर। तो ये सारे ध्यान रखना, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तुंगभद्रा सेंचुरी जो है वो कहां पे लोकेटेड है, तुंगभद्रा सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि तुंगभद्रा से हमारे दिमाग में क्या आता है, कि ऐसा कौन सा एम्पायर था जो तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे था, विजयनगर एम्पायर, जो आजकल हम्पी कहते हैं, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और हरिहर बुक्का ने बनाया था, तो तुंगभद्रा तो नाम भी वहीं जुड़ गया, तो कर्नाटक आंसर क्या बन जाएगा, सीधा आंसर बन जाएगा कर्नाटक, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका कर्नाटक में है। और इसके अलावा सोमेश्वर, सोमेश्वर यहाँ पे सेंचुरी है, रंगन थीटू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगन थीटू, थीटू बर्ड सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रंग बिरंगी चिड़िया, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। घटप्रभा, घटप्रभा इज अगेन इंपॉर्टेंट, घटप्रभा, घटप्रभा सेंचुरी इज अगेन देयर, क्लियर, ये ध्यान रखना है। बाकी तो थोड़े से और ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, जैसे ये आपका एमपी है, एमपी में गांधी सागर सेंचुरी है, आपकी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये याद रखिए। और यूपी के अंदर जो है, किशनपुर, सुर सरोवर, पिलभीत, किशनपुर, सुर सरोवर एंड पिलभीत जो है आपका टाइगर रिजर्व है वहां पे। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में महानंदा और चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ध्यान रखना, महानंदा एंड चपरा पारी, क्लियर, ध्यान रखना ये सारे आंसर। कर्नाटक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये वाला रंगन धीतु और घटप्रभा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट लगाइए, बंद करियो गेट। ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी जो लिपि है वो कौन सी है, इसमें से सबसे पुरानी लिपि जो है इसमें से कौन सी है, ब्राह्मी। ब्राह्मी क्यों लिपि है यहाँ पे, क्योंकि जो ब्राह्मी है ये अशोक के एडिक्ट्स होते थे ना, जो रॉक एडिक्ट्स, उसके अंदर देखने को हमें मिली थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझना कि अशोक के जो सबसे पुरानी तो ये होगी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के जितने भी रॉक एडिक्ट थे उसमें कौन कौन सी जो है, कौन कौन सी ये भाषाएं यूज होती थी। एक तो ब्राह्मी यूज होती थी, एक थी खारोष्ठी, खारोष्ठी, अरमाइक एंड ग्रीक,
चार भाषाएं यूज होती थी। अब अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट थे इनको पढ़ा किसने था, ये पढ़ा पढ़ने वाला पर्सन कौन था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। और प्लस एक चीज और है कि अशोक को लोग क्या बोलते थे, देवम प्रिया प्रियादशी वर्ड यूज करते थे। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहां पे जो लिखा गया है नाइन्थ का ए बनेगा, जैसे हड़प्पन लिखा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पता ही नहीं था होता था कि क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से एक राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, और ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते थे, बोस्ट्रोफिडोन, बोस्ट्रोफिडोन, क्लियर। और इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते थे, और इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो चीजें हैं उनको पिक्चरों से देखा जाता है, पिक्टोग्राफिक उसको कहते हैं, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए कि पिक्चरों से हमें पता लगता है। प्राकृत जो है ये भाषा थी जैन धर्म की, और पाली भाषा किसकी थी, बुद्ध धर्म की, ध्यान रखना, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन ब्रह्मी। नेक्स्ट, इनमें से जो बेसिक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के अंदर कौन सा चीजों का डिफरेंस है, फटाफट आप देख के आंसर लगाओ, बाकी मैं बताता हूं आपको। आरएनए डीएनए में चीजें सेम है लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है वो देखिए, अब जो डीएनए होता है देखिए, पहले तो चीज देख लेते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। ये जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है और ये क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, क्लियर। अब इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, मैंने आपको बताया था एट कॉलेज, एट कॉलेज वर्ड याद रखना है, इसमें जितने भी कैपिटल वर्ड हैं ए टी सी जी, क्लियर, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, ये जो हैं ये चार हैं, तो ये चार जो हैं ये आपके बेस है नाइट्रोजन बेस। शुगर जो है इसके अंदर वो कौन सी है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड पीओ फोर थ्री नेगेटिव, ठीक है। और आरएनए के अंदर सेम चीज है, यहां पे ए और टी तो सेम ही है यहां पे, और सॉरी ए सी जी तो सेम ही है, लेकिन थायमिन की जगह के ऊपर यहां पे क्या आता है, यू, यूरासिल आ जाता है। दूसरी बात यह है, शुगर डीऑक्सीराइबोज है, यहां पे राइबो शुगर है, और यहां पे बिल्कुल सेम है आपका फॉस्फोरिक एसिड ही सेम आता है। डीएनए में डबल है, आरएनए में सिंगल है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए की इन्होंने बताई थी। तो देख लीजिए आंसर क्या बनेगा, इसके शुगर में भी दिक्कत है, इसके टाइप और नाइट्रोजन बेस नंबर ऑफ स्टैंड्स में भी दिक्कत है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, टेंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, अगला क्वेश्चन है, ब्रीदिंग रेट जो है एडल्ट पर्सन का वो कितना होता है रेस्ट के ऊपर। देखिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो पर्सन है सांस लेता है, कैसे पता लगेगा, एक मिनट में जितना वो पेट हिलाता है, ऐसे नहीं हम मेजर कर सकते, अगर आपने बिल्कुल आंखों से देखना है तो कितनी बार उसका पेट हिल रहा है ना, तो उससे पता लगता है हमें सांस कितनी ले रहा है, ठीक है। और कितना होता है ये, 15 से 18 बार होता है, 15 to 18 टाइम्स, क्लियर। तो ऑप्शन 11 का क्या बनेगा, बी। और अगर उसने पूछा यंत्र बताओ, इंस्ट्रूमेंट बताओ रेस्पिरेशन रेट को मेजर करने के लिए, तो स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर। रेस्पिरेशन का कंट्रोल हमारी बॉडी में कहां पे होता है, मेडुला ओब्लोंगटा, कहां पे, मेडुला ओब्लोंगटा में कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन रेट का। और दूसरी बात यह है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटालिटिक प्रोसेस है, कैटालिटिक का मतलब क्या हो गया, टूटने वाला, क्यों, क्योंकि जब हम ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है प्लस ऑक्सीजन आ जाता है, तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया ग्लूकोज, सो दिस इज द कैटालिटिक प्रोसेस, 15 से 18 बार। नेक्स्ट लगाइए, मिड डे मील्स को स्कूल्स के अंदर लगाने के लिए पहला राज्य कौन सा था इसमें से, ये पहला राज्य था जिसने 1962 में 63 में पहली बार मिड डे मील स्कीम जो है लगा दी थी
ध्यान रखना है। और ये कौन सी थी, ये थी तमिलनाडु स्टेट, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ट्वेल्थ का सी ऑप्शन बनेगा। 1962-63 में इन्होंने बात तक कर दी थी अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे बात करी थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। लेकिन मिड डे मील स्कीम अगर ऑल ओवर इंडिया पूछा, मिड डे मील स्कीम जो है ऑल ओवर इंडिया पूछा, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 जनवरी 1995 को ये लागू करी गई थी, ठीक है। 1995 याद रखना, ए रहन दो, 1995 याद रखना, 1995, अदरवाइज 62-63 में तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दी थी, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन के लिए बात करता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन के लिए बात करता है, जो अभी हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, एन के सिंह, और इससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन थे वो कौन है, वाई वी रेड्डी, क्लियर। और अब यहां पे ध्यान रखिए, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और आर्टिकल 280 के अंदर दिए गए हैं, और इसमें क्या होता है, जितना पैसा सेंटर के पास आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट के अंदर, बाकी स्टेट्स के अंदर, वो किसका काम होता है, वो आपके फाइनेंस कमीशन का काम होता है। आर्टिकल 280 13th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बना ए ऑप्शन, आर्टिकल 280, क्लियर। और यहाँ पे 269 लिखा गया है, ये बोलता है कि जो टैक्स स्टेट ने लगाए थे और जो सॉरी सेंटर ने लगाए थे और सेंटर ने ही कलेक्ट कर लिए, बट बाद में किसको दे दिए, असाइन किसको कर दिए, स्टेट को असाइन कर दिए। आर्टिकल 268 क्या बताता है कि हाँ कि सेंटर ने लिए, सेंटर को ही, सेंटर ने लगाए, सेंटर ने ही लिए, बट सारी की सारी चीज़ों का श्रेय जो है अप्रोप्रिएशन किसको दे दी, स्टेट को दे दी, क्लियर। और 265 क्या है कि कोई भी टैक्स नहीं लग सकता जब तक कोई अथॉरिटी चाहती नहीं है, नो टैक्स should be levied on the no tax should be levied according to the authority of the law, ठीक है, except by authority of the law, clear। ये ध्यान रखना, 265 ये कहता है, 280 is the right answer। next, frequency जो है किस चीज के अंदर मेजर करी जाती है, frequency जो होती है आवर्ती, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की एक टाइम में, एक सेकंड में कितनी चीज़ ऑसिलेट कर रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमेशा मेजर करी जाती है हर्ट्ज में। 14th का आंसर क्या बनेगा, हर्ट्ज। सो ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन, हर्ट्ज इज द राइट आंसर। बाकी जो है मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है, और रेडियन जो होता है वो एंगल होता है, और वाट जो होती है वो होती है पावर, ठीक है। और हॉर्स पावर पूछ लिया जाता है आपको, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर वो होती है 746 वॉट के, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, हर्ट्ज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, नील के ढाबे, ठीक है, और 106वां बिहार दिवस था पटना में 22 मार्च को, सो 22 मार्च को हम बिहार दिवस कहते हैं, तो इसमें से ये बुक किसने इनॉग्रेट करी थी, वहाँ पे 4 बुक्स इनॉग्रेट करी गई थी, ये 4 बुक्स कौन सी थी, एक था मोहन, पहला है एक था मोहन, दूसरा बापू की चिट्ठी और नील के ढब्बे और चंपारण की कहानी, 4 बुक्स थी, एक था मोहन, बापू की चिट्ठी, चंपारण की कहानी, नील के ढब्बे, ठीक है। अब ये 4 बुक्स किसने इनॉग्रेट करी थी, ये करी थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू, तो ऑप्शन 15th का ऑप्शन इज ए, वेंकैया नायडू जी ने ये काम किया था, तो 15th का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, जिससे शक्ति मिलती है हमारे सेल को, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ना, ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है ना, ये क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है,
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ऑप्शन जो है सेल वॉल है, सेल वॉल हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के बाहर होती है, एनिमल सेल के बाहर नहीं होती। इसीलिए हम एनिमल कैटेगरी में आते हैं तो हमारे अंदर वॉल नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, स्किन जिसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट में भी होती है, वो जो है एनिमल्स में भी होती है, ध्यान रखना। राइबोसोम बोला गया है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए होता है और सारी चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से जो मेंडा त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, मेंडा, ठीक है। तो मेंडा त्यौहार जो है इनमें से कहाँ पे मनाया जाता है, ये है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। 17th का ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन, झारखंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने होते हैं जब ऐसा पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम रिवीजन जो है ऐसे करवा देता हूं, तो बस उसका लिख लो कि हाँ जी मेंडा त्यौहार झारखंड, डेट्स इट, क्लियर। क्योंकि इतने त्यौहार हैं याद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, या कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं, तो जो त्यौहार उसने पूछा है उसको साइड पर लिख लो कि हाँ मुझे याद करना है, एक बार नजर में जाना चाहिए, ठीक है। तो मेंडा त्यौहार कहाँ पे है, झारखंड में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड जो हैं, इनका नाम जो है लक्षद्वीप रख दिया गया था, ये कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के दौरान रखा गया था। ये बोलते हैं लक्षद्वीप जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप जो है उसके अंदर कोरल रीफ भी हैं, ठीक है, कोरल रीफ भी वहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। अब लक्षद्वीप जो बना था वो 1973 के अकॉर्डिंग बना था, 1973 के अकॉर्डिंग बना था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 1973 वाला, अच्छा ये जो इसका ऑप्शन ए बनेगा, वहाँ पे 1937 लिख दिया गया है और डिजिट उल्टे हो गए हैं, वहाँ पे 1973 बनेगा आंसर, ठीक है। सो ध्यान रखना, नॉट 72 73 ऑप्शन जो है पहले का चेंज हो गया है, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा 1973, बार बार बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट लगाइए, 1 मई 2019 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे कौन अपॉइंट हो चुके थे। अरुण जेटली जी की तो डेथ हो चुकी है, ठीक है। पीयूष गोयल जो हैं वो अभी रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे। निर्मला सीतारमन जी जो हैं ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जो राजनाथ सिंह हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आंसर क्या बना, निर्मला सीतारमन। तो 19th क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, निर्मला सीतारमन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से फादर ऑफ कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के फादर, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है आपका। 20th ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन, क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन जो है टिम बर्नर ली कौन है, जिन्होंने बी ऑप्शन में देखिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करी थी। तीसरा है फिलिप डॉन एस्टीज जो है इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ आईबीएम पीसी, ठीक है। और फोर्थ लिखा गया है जेम गैसलिंग जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारे में बात इन्होंने करी थी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो सारे ऑप्शन याद रखना आपको, तो आंसर क्या बनेगा, ए चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, 1947 के अकॉर्डिंग लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अनाउंस किया था कमीशन जो इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेशन करेगा, और इनमें से वो हेड कौन थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, और पहले गवर्नर जनरल आजाद भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और ये कौन सा कमीशन बिठाया था, रेड क्लिफ कमीशन बिठाया था, जिसके कारण हम इसको रेड क्लिफ लाइन भी कह देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, 21 का डी ऑप्शन, 21 इज डी ऑप्शन, रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ ने ही बिठाया था। बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो है लॉर्ड कर्जन जो है बिलोंग कहाँ से करता है, लॉर्ड कर्जन बिलोंग करता है 1605 में
1905 में जिन्होंने आपका बंगाल पार्टीशन करवाया था, क्लियर, ये वर्ड वहां से यूज होता है। लॉर्ड वेवल जो है जिन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो फेल हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये भी फेल हुई थी। थर्ड लिखा हुआ है क्लेमेंट एटली 20 फेब 1947 को इन्होंने एक डेक्लरेशन दी थी, इन्होंने एक डेक्लरेशन दी थी कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 30 जून 1948, ठीक है, तो 30 जून 1948 को हम आज़ाद करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जून है या जुलाई है, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। तो इन्होंने बोला था कि 1948 को हम जो है आज़ाद करेंगे, 20 फेब को अनाउंस किया गया था क्लेमेंट एटली द्वारा, ठीक है। और क्लेमेंट एटली कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जो आज़ाद, जब देश आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ये बने थे, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे, क्लियर। और आंसर इसका क्या बनेगा, रेड क्लिफ बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं इंडिया के कौन हैं, ये सेम है जी, जिन्होंने उरी मूवी देखी होगी उनको पता होगा ये, ठीक है। तो ये थे अजीत डोवाल, अभी भी यही हैं, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, अजीत डोवाल, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी, अजीत डोवाल। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हमारे नेशनल इकोनॉमिक एडवाइज़र भी बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, नेशनल इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, ये भी पूछा जाता है, ये नेशनल इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये अजीत डोवाल जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए एडवाइजर हैं, क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंड किया गया है, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10वां स्केड्यूल है हमारा, 10वीं अनुसूची है, और एक आपका जो है अमेंडमेंट हुई थी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, वो अमेंडमेंट कौन सी थी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये वाली अमेंडमेंट थी, क्लियर। अब ध्यान रखना, 52nd अमेंडमेंट 1985 थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। पहले 52nd अमेंडमेंट एक्ट में होता क्या था कि अगर कोई भी पार्टी के 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम मर्जर कह देते थे, कि हाँ हम कह देते कि डिफेक्शन नहीं किया, अपनी पार्टी को धोखा नहीं दिया। अब बात यह है 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के साथ जाके मिलेंगे तब जाके डिफेक्शन नहीं होगा, अगर इससे कम सदस्य जाके दूसरी पार्टी में मिलेंगे तो वो धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को, अदरवाइज वो डिफेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 इज द राइट आंसर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, क्लियर। 91st अमेंडमेंट एक्ट और क्या बताती है, अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कितने लोग रखने होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, जो उसके साथ काम करते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, और भी सारे मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस, रेलवे, ये वो सब चीज़ें, कितने लोगों को रख सकता है, जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसके 10% रख सकता है, पहले 15% रख सकते थे लेकिन अब कितने रख सकते हैं, 10% था अब 15% रख सकते हैं, क्लियर, 10% पहले था अब 15% रख सकते हैं, और 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ही बात करी जाती है। और ऑप्शन ए देखिए, 86 अमेंडमेंट देखिए, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने की बात करी गई थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी हमारी 86 अमेंडमेंट के कारण। 87th जो लिखा गया है, ये लिखा गया है हम स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको जो है हम रेगुलेट करेंगे 2001 के सेंसिस के अकॉर्डिंग, क्लियर, 87th में बोला गया है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। बाकी 92nd तो आपको पता है, 92वां संशोधन तो पता ही है, 92वें संशोधन जो हुआ था, 92वें संशोधन हुआ था आपका, जिसमें 4 लैंग्वेजेज ऐड करी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्लियर, ये ध्यान रखना, आंसर इज सी ऑप्शन, 91st अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म जो 2019 के हुए थे, जो नीति आयोग ने करवाए थे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने करवाए थे, तो इनके अकॉर्डिंग पहली स्टेट नंबर 1 कौन सी थी, पहली स्टेट जो थी वो थी महाराष्ट्र,
दूसरे नंबर पे थी गुजरात, दो स्टेट याद रख लेना बस, पहली महाराष्ट्र पहले नंबर पे थी और दूसरी थी गुजरात, जो जिन्होंने मार्केट रिफॉर्म एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है बहुत अच्छे से फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म अच्छे से करे हैं। तो आंसर क्या बनेगा 24th का बी ऑप्शन। और ये भी पूछा जा सकता है किसने करवाए हैं, नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। क्लियर, नेक्स्ट लगाइए। टीवी रिमोट कंट्रोल में इनमें से कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं, टीवी कंट्रोल में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर याद हो, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी रेज होती हैं जो जैसे हम उसको पकड़ते हैं, अगर गर्म हीट की बात करी जाए, अगर आपको हीट मिल रही है उससे, तो वो होती है इंफ्रारेड रेज। तो अगर आप देखोगे टीवी का रिमोट, अगर आप चेक करोगे, तो जैसे आप चैनल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है उसको हाथ लगा के देखना, हल्का हल्का गर्म होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि हीट प्रोड्यूसिंग है इंफ्रारेड रेड, और इंफ्रारेड रेज ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये है आपका इंफ्रारेड रेज, 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, इंफ्रारेड रेज होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। रेडियो वेव्स लिखा गया है, रेडियो वेव्स रडार के अंदर, रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार के अंदर यूज होती हैं। रेडियो वेव से ही हम मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स वहां पे ट्रेवल नहीं करती, ध्यान रखना है चीजें। क्लियर, तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अब जो है हमारे कोर्स के बारे में जानकारी, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अब बात क्या है कि 5 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड वन इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कवर किए हैं। पॉलिटी मैंने पूरा कवर किया है, हिस्ट्री के अंदर हमने मॉडर्न इंडिया, मिडिविल इंडिया और एंशियंट इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी जो चीज़ें हैं विद फोटोग्राफ्स, आपको देख के ही याद हो जाए कि हाँ यार ये इवेंट क्या था, विद फोटोग्राफ्स मैंने ये चीज़ें यूज़ करी हैं। ज्योग्राफी फुल मैप बेस्ड है, ये जितने भी मैप्स ज्योग्राफी में बनते हैं पूरे के पूरे मैप्स मैंने बना, एक एक चीज़ मैप बना के आपको दिखाई गई है, ठीक है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, एनी थिंग कुछ भी चीज़ हो तो मैप्स वगैरह बना के बताई गई है, बहुत लेवल की, ठीक है। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसके अंदर कंप्लीट है, क्लियर। दूसरा रह गया जी हमारा साइंस, साइंस के अंदर हमने आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों मैंने इसमें कवर किए हैं। इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों कवर करी हैं, क्लियर। और ये सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इस चीज़ को खरीदने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि दिसंबर में हमारी जो ऐप लॉन्च होने वाली है, तो आपको करना क्या है, गूगल पे आपको ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल पे से आपको जो है ₹50, प्लीज़ जो बच्चे मुझे ₹2,000 भेज रहे हैं मत भेजें, गूगल पे से सिर्फ और सिर्फ अभी आपने ₹50 जो है आपको भेजने हैं। किस नंबर के ऊपर, ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, 9643444602, ये नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर के ऊपर अगर आप व्हाट्सएप भी करेंगे, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको मैसेज पे जवाब आएगा, ठीक है। और ₹50 इसी नंबर के ऊपर भेजने हैं, जो रेस्ट 1950 रह चुके हैं, जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होगी तो आपको मैसेज आएगा किस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब आप ₹50 पे कर देंगे, आपको जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट जो है आपको मेरी मेल आईडी के ऊपर भेज देना है, vipan.studyiq, ध्यान से देखना, vipan.studyiq@gmail.com, देखना दिख रहा है ये, ठीक है, vipan.studyiq@gmail.com, क्लियर, ये ध्यान रखना, vipan.studyiq@gmail.com। ₹1,950 आपको तब पे करने होंगे जब हमारी ऐप लॉन्च होती है, नेक्स्ट मंथ ऐप लॉन्च हो जाएगी, और मैं आपको यहां से इसी मेल आईडी से या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको आपको जो जिसने ₹50 पे किए हैं उसके कॉल आएगी। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स के लिए है, पहले 2000 स्टूडेंट्स के लिए है, अदरवाइज प्राइस जो है ₹2,500 है,
पहले 2000 स्टूडेंट्स को 500 रुपए का ऑफ मिल रहा है, और ये पहले 2000 स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट रह सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इन 2000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। वीडियोस के अंदर जो पहली वीडियो चलेगी आपकी, उसके अंदर एक बताया जाएगा कि हाँ ये नंबर है, इसके ऊपर आप विपिन सर से जो है अटैच कर सकते हैं, विपिन सर से बात कर सकते हैं व्हाट्सअप से, ठीक है। तो बाकी जो है मैं इन लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाऊंगा, डेली की डेली मैं क्विज भी लूंगा, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज उसके अंदर चलेंगी जो मेरे दिमाग में चल रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है आपका डाउट, मैं अब आपका डाउट लूंगा जो आपका डाउट है। जो पहला बच्चा है आईफोन, आईफोन से नहीं है ये, एंड्रॉइड से है, ध्यान रखना एंड्रॉइड में चलेगी ये चीज, क्लियर, एंड्रॉइड। अच्छा एक चीज और, प्लस ये कोर्स वो बच्चे ही खरीदे जो पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक से एडवांस लेवल करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मत खरीदना कि हाँ जी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ना है, यहाँ से ऐसे कोई चीज़ नहीं। आपको मेरी क्लास में बैठ के ही पता लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ चीज़ें जोड़ देता हूँ, ठीक है। चाहे वो बेसिक है चाहे वो हाई लेवल है, मैं सारी चीज़ें कनेक्शन करके जोड़ता हूँ क्लास में। उस लेक्चर्स के अंदर भी बहुत बेसिक से हाई लेवल तक चीज़ें पहुँचाई हुई हैं, ध्यान रखना। नहीं ये जो है लैपटॉप में वीडियोस नहीं चलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में चलेंगी, ऐप में चलेंगी। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जो बच्चा कह रहा है अमाउंट टू हाई, ठीक है आप ले लो, मार्केट में आपको 500 रुपए में भी चीज मिल रही है, ले लो आप। हमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम उसको बेचना ही चाहते हैं। जब वो बच्चा खरीदे, भविष्य आपका है, आप जैसे आप अपना भविष्य करना चाहते हैं वैसे आप कर लीजिए। फोन पे से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे से ही करना है आपको। पीसीएस एग्जाम के जो प्री लेवल है, प्री लेवल ओनली, प्री लेवल तक ये चीजें कवर हैं। जो स्क्रीन है, स्क्रीन है जो स्क्रीन में इंग्लिश दिखेगी, और बोलूंगा मैं वैसे ही जैसे मेरी क्लास में लैंग्वेज होती है वैसे ही आपको यूज किया जाएगा। बिल्कुल पहले दिन ही आपको 250 लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में जाके उसमें लेक्चर्स एडिशन और भी करूं, कुछ चीजें आपको दूं और भी। वैलिडिटी 2 साल के लिए है, ओनली 2 ईयर्स वैलिडिटी, पहले 2000 स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल ITBP एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट जो है अभी 50 देने हैं, 1950 को जब ऐप लॉन्च हो गई तब करने हैं। पेटीएम नहीं कर सकते, PDF मिलेगा, बिल्कुल PDF मिलेगा। सो 50 रुपये इस नंबर पे करने हैं जो आपको लिखा गया है। बिल्कुल ITBP एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें। 2000 बच्चे होने में, लास्ट जो मैंने कल बात करी थी, मैंने ग्रुप में भी डाला था, 1450 बच्चे प्लस हो चुके हैं, थोड़ी सी सीटें रहती हैं। यूपी बिल्कुल, ये GPSC यूपी पुलिस सबके लिए हेल्प करेगा। PDF इंग्लिश में मिलेंगी आपको। ऐप जो लॉन्च होगा वो 15 दिसंबर के आसपास लॉन्च होने वाला है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ MBPCS की जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो बिल्कुल हो जाएगी, दिल्ली एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, रेलवे एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। लिंक कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि ऐप लॉन्च होनी है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 2000 बच्चों ने, 1450 बच्चों ने हम मेरे ऊपर तो विश्वास दिखाया है ना, तो अगर आपको विश्वास है तो आप पे कर दे, अदरवाइज किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है कि वो पे करे। पर बाद में भी वही है, जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा 2500 में खरीदना पड़ेगा आपको। स्टेट एग्जाम जो है, बिल्कुल स्टेट एग्जाम कवर होंगे। ₹2000 जो है ये दो साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, 2000 तक। हिंदी में नहीं PDF मिलेगी आपको, आपको इंग्लिश में PDF मिलेगी। ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल, कोई भी आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अंदर क्वेश्चन नहीं, मेरी थ्योरी बिल्कुल टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने, टॉपिक पढ़ाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गूगल पे कर सकते हैं। स्टेट एग्जाम सारे कवर होंगे, ग्रुप डी, NTPC, ये तो ऐसे मक्खन की तरह क्लियर कर लोगे अगर पढ़ोगे। ऐप नेम जो होगा StudyIQ एजुकेशन के नाम से होगा, आपको बताया जाएगा।
मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे ने बोला यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, कोई दिमाग में रख के बात नहीं कर रहा और ना ही आपने करनी है। आपको खरीदने से पहले 10 बार सोचो, हम नहीं कहते कि खरीदो, ठीक है, खरीदो ना खरीदो आपके ऊपर है, भविष्य आपका है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कुछ होना है, अच्छा हो सकता है, तो लो, नहीं तो ना लो। मार्केट में मैंने अभी भी कहा कि 500 में भी मिल जाएंगी चीजें आपको। 15 दिसंबर को बाकी पेमेंट करनी होगी, अभी जस्ट आपको जो है ₹50 से बुक कर लेना है चीज। हिंदी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज मैंने बोला हिंदी है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्लिश ही दिखेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश ही दिखेगी, पीडीएफ इंग्लिश में ही होगी। बिल्कुल एग्जाम यार, मैं अगले मंथ की बात कर रहा हूँ, अगले मंथ में लॉन्च हो जाएगा हमारा, अगले मंथ में। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है गूगल पे से ही कर सकते हैं, सिर्फ गूगल पे से, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब इस वीडियो को जो है लास्ट के 10 मिनट आप देख लेना, सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, एक सेकंड का भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना, सिर्फ व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का जवाब आपको आएगा ही आएगा, कॉल नहीं ले सकते क्योंकि कॉल में बहुत सारे बच्चे कॉल करते रहते हैं। तो व्हाट्सअप अगर आप करोगे ना अपना डाउट, विद इन 24 आवर्स आपके पास जवाब आ जाएगा। और जो बच्चों ने पेमेंट कर दी है, जिनको पेमेंट रिसीव्ड का मैसेज नहीं मिला, तो प्लीज़ दोबारा से हमें जो है मैसेज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतने सारे ईमेल्स आ रहे हैं और मनी आ रही होती है, बच्चे भर रहे होते हैं, फटाफट सीट भर रहे होते हैं, तो कंजेशन हो जाती है, इसके कारण कई बार मेल नहीं आती। तो अगर किसी को मेल नहीं आई है कन्फर्मेशन का, तो वो दोबारा से भेजें इस आईडी के ऊपर। मैं बार बार खुद अपने आप से कह रहा हूँ कि आप भेजो, ये जो है ऑफिस में भी काम चल रहा है, मैं भी खुद देख रहा हूँ कि हाँ किसको ईमेल हो रही है किसको नहीं। अदरवाइज आप फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको मेल नहीं मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल दो डाउनलोड होंगी, 2 साल तक आपके पास रहेंगी, ठीक है। डेमो क्लास आपको चाहिए, डेमो क्लास अगर देखनी है ना, तो यही क्लास को आप दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, इसी क्लास को, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पहली बार स्टूडेंट हैं, तो अदरवाइज डॉक्टर विपन गोयल स्टडी आईक्यू डाउनलोड जो है आप यूट्यूब पे भरना, 100 लेक्चर्स आपको थ्योरी के मिल जाएंगे और पता नहीं 1000 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मेरे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हुई तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करना, आपको जवाब मिलेगा। और जाने से पहले ये फेसबुक का लिंक है नीचे, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन तीनों जगह के ऊपर आप मुझे कर सकते हैं मैसेज। और थैंक यू सो मच गाइस, जो आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, जो इतना सारा प्यार दिया कि हाँ मेरे पास 1450+ बच्चों ने जो है पेमेंट कर दी है, आगे वाले टाइम में भी मैं ऐसी मेहनत करूंगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आएंगे हम क्लास में भी, यूट्यूब क्लास के अंदर भी, और प्लस जो बच्चे पेड होंगे उनके लिए भी। सो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एंड में आपको एक स्क्रीन बड़ी सारी दिख जाएगी, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर मेरी जो है जीमेल आईडी का लिंक है, फेसबुक का नाम है, और इंस्टाग्राम का नाम है, और टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, All the best, good luck, take care, thank you.